व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोग को एक और न्यू वीडियो में। आज मेरे पास है रियलमी पैड, और रियलमी पैड मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि रियलमी पैड में एक न्यू अपडेट रिसीव हो चुका है। मैंने कल ही अपडेट को रिसीव कर भी लिया था और उसके बाद से यूज़ भी कर रहा हूँ। अपडेट का क्या बिल्डर वर्सन है, क्या है नहीं है, वो मैं सब आज की वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। उसके साथ साथ आप ये भी बताओ कि आपके पास वो अपडेट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इसे हुआ है तो आपको कैसा एक्सपीरियंस फील हो रहा है। बाय द वे, इसका जो एक्सपीरियंस है वो कोई नेक्स्ट लेवल है। मतलब रियलमी के किसी भी डिवाइस में ऐसा एक्सपीरियंस मैंने देखा नहीं है। ये नॉर्मल रियलमी हुआ ही है, पर इसकी जो एक्सपीरियंस, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल आज बात करेंगे पूरी डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को मिला है। अगर आप लोगों को मिला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम भी फेस हुआ है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप मेरे वीडियो को देख पाओगे। लेट्स गो। कल जब मैंने वीडियो, मतलब कल जब मैं अपडेट कर रहा था, तब मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा क्योंकि ऑलरेडी मैं अप टू डेट कर चुका हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम अपडेट अवेलेबल, ऐसा आया था, ठीक है, सिस्टम अपडेट अवेलेबल। उसके साथ साथ जो वर्सन है वो था RMP2012, बहुत बड़ा करके ऐसा वर्सन था, और मेन जो पार्ट था वो 11.8.04। अगर आपके पास रियलमी पैड है तो आप देख लीजिए कि 11.8.04 वाला अपडेट आपके सामने आएगा, ठीक है, दैट्स राइट। आप बात करते हैं अपडेट लॉक के बारे में। अपडेट लॉक के अंदर है अपडेट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच December 2021, मैं दिखाऊंगा मेरे डिवाइस में। उसके साथ साथ फिक्स सम नोन बग्स, इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, कोई भी न्यू अपडेट नहीं किया गया है, बस नॉर्मल जैसा अपडेट होता है वैसा ही किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने अपडेट को कर लिया था, रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ गया था। तो फिलहाल मैं जाता हूँ मेरे डिवाइस के सेक्शंस में, और सेक्शन में जाके देखते हैं कि अपडेट कहाँ पे है। और फिलहाल अगर आप लोगों में से किसी लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ अपडेट कैसे चेक करते हैं। अपडेट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सिस्टम में। सिस्टम में के बाद आपको जाना पड़ेगा एडवांस सेटिंग्स में। उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम एंड्रॉयड अपडेट, और उसके अंदर आपको जो कि देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया लेटेस्ट अपडेट मैंने कर रखा है, तो ये आज ही चेक किया था। और उसके साथ साथ जैसे आप देख पा रहे हो एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट 5th December 2021, तो लेटेस्ट अपडेट किया हुआ है। अब लेटेस्ट अपडेट करने के बाद लगभग एक दिन बीत चुका है, मतलब कल रात को किया था, कल रात को थोड़ा लेट में किया था, लाइक 10-11 बजे किया था, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, मान ही सकते हो एक दिन हो चुका है। तो ये जो एक दिन है, एक दिन में मुझे कोई बग्स फिक्स हुआ है कि नहीं और ये कैसे चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं मेरी क्लियर ओपिनियन एंड क्लियर बात करने की कोशिश करूँ भाई, रियलमी पैड में ना पहले दिन से मुझे कोई प्रॉब्लम लग रहा था और ना अभी कोई प्रॉब्लम लगता है। इसकी जो रैम मैनेजमेंट है 3GB RAM होने के बावजूद भी कुछ अलग ही लेवल का है, आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। जिनके पास रियलमी पैड है वो ज़रूर सोच पा रहे होंगे, क्योंकि इसकी जो रैम मैनेजमेंट है, क्योंकि ये रैम मैनेजमेंट अच्छा इसलिए है क्योंकि इसकी जो मतलब स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बाकी रियलमी के डिवाइस की तरह लैग नहीं करती है, फालतू की चीज़ें अंदर भरा नहीं है, ये बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं किया है, गेम नहीं इंस्टॉल किया, भाई बहुत कुछ इंस्टॉल्ड है, ये सारे डिवाइस सारे मतलब सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, और मैं इसको बहुत डेली बेसिस में यूज़ करता हूँ, तो इसकी जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही है। उसके साथ साथ अगर बात करें भाई इसकी 7000 mAh बैटरी को, तो भाई अगर आप लोग बोलोगे कि इसके बैटरी को टेस्ट करके देखने की ना, तो मेरे से तो ना हो पाएगा, सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, मेरे से ना हो पाएगा, क्योंकि इसका एक दिन में ख़त्म करना या टेस्ट करने की जैसा मतलब पेशेंट किसी में नहीं है भाई, कैसे करेंगे। मतलब इसकी जो मतलब ये इतनी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा केस में लोग गेम ही खेलेंगे, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलेंगे, और ज़्यादा केस में यूट्यूब देखेंगे। अब इन सब में ख़त्म करना इस चीज़ को बहुत डेंजरस है। मैं क्या करता हूँ ना, अलग अलग करके मूवी, मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे मूवी स्टोर है, तो उसको मतलब ले लेता हूँ टाइप सी पोर्ट के मदद से यहाँ पे, और बड़ी स्क्रीन में देखता हूँ। तब भी मुझे ना मतलब पता नहीं चलता, 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, एक मूवी देख लिया, बंद कर दिया, 2 मूवी देख लिया, ये भी देख लो ना कब चार्ज हुआ है पता नहीं, 56%। अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कितने दिन पहले मैंने इसको चार्ज किया था। लेट्स फाइंड आउट, मैं खुद ही भूल चुका हूँ 56% नॉट चार्जिंग, देखते हैं कितने दिन पहले चार्ज किया था। तो यहाँ पे आ गया है, ये देखिए लास्ट फुल चार्ज दिख रहा है 4 डेज, मतलब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, इससे वीडियो डेली बेसिस में मेरा अपलोड होता है, इसी से अपलोड होता है वीडियो, ये भी चल रहा है, बैटरी परसेंटेज भी दिखा रहा है, सब कुछ ठीक है। मतलब 4 दिन पहले अपलोड किया था। अगर आप अपने नॉर्मल फ़ोन को चार्जिंग से फेंक के भी रखोगे ना, इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप ड्रेन हो जाएगी। पर फिर भी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, स्क्रीन यूसेज लास्ट फुल चार्ज 4 घंटे का स्क्रीन यूज़ हुआ है, थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया, थोड़ा सा कर लिया, ऐसे करके करके जो 4 आवर्स था, और 4 दिन ऐसे ही पड़ा हुआ था, और अभी सिचुएशन जो हुआ है वो 56% है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बग्स आया है, और
बक्स की मतलब कोई इशू भी नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं देखता कि कभी भी यहाँ पे कुछ रैम मैनेजमेंट वगैरह की इशू है, कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे तो कभी कोई फेस नहीं होता, बहुत क्लीन, बहुत क्लियर एंड एकदम क्लियर एक्सपीरियंस है। कैमरा भी ठीक ठाक है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो ये जो चीज़ें मैंने किया था एक्चुअली मिनिमाइज़, तो सारे मिनिमाइज़ में होंगे। मतलब कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो आपको लगेगा कि भाई लैग हो रहा है इसे, ये तो मिनिमाइज़ में रहेगा नहीं, ऐसा भी कोई सीन यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं भाई, कोई ऐसा बग्स मैंने देखा है जो कि थोड़ा एनोइंग है, तो मैंने ऐसा कोई बग्स नहीं देखा है। ये अपडेट से पहले मेरा एक बग्स हो रहा था, मैं अब वो आपको ना क्लियर करके बताता हूँ। तो अगर YouTube में वीडियोस अपलोड करना है ना, तो सबसे पहले आपको ना यहाँ पे कुछ भी मतलब जो भी है, तो ऐसा करके ना जो पेजेस वगैरह होते हैं, तो उस पेजेस को आपको सबसे पहले खोलना है। उसके बाद क्या करना है ना, यहाँ पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके साथ साथ एक और को खोलना है। लाइक ये मान लो ये यूट्यूब है, उसके साथ साथ ये जो नोट पैड है जहाँ पे मेरे टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग लिखा रहता है, तो यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कैसे होता है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे जाके ना इसमें क्लिक करेंगे मल्टीटास्किंग के लिए। ठीक है, ये क्लिक कर लिया मैंने मल्टीटास्किंग के लिए, हो नहीं रहा है, एक सेकंड रुकिए, मल्टीटास्किंग ने क्लिक कर लिया। अब ये जो इशू है ना, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन सपोर्टेड है मल्टीटास्किंग में वो आ जाएंगे और बाकी सारे हट जाएंगे। तो कुछ दिन पहले तक क्या हो रहा था, लाइक ये मल्टीटास्किंग अवेलेबल है, तो मैं इसको ऐसे साइड में खोल लिया और यहाँ पे भी अभी देख रहा हूँ मैं कोई लैग वैग कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी अभी चल रहा है मेरा जो कि कॉलिंग वगैरह अगर कोई है तो उससे मैं कॉल में बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है मेन केस। अब कुछ दिन पहले तक क्या हो रहा था कि मैं ये पेज में हूँ और इस पेज से जब मैं इसको पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं इसे मल्टीटास्किंग के लिए ओपन कर रहा था डुअल स्क्रीन मोड पे, तब वो जो चीज़ को एक्चुअली मल्टीटास्किंग करने वाला हूँ वो हट रहा था। लाइक मुझे वापस यहाँ पे जाना पड़ रहा था और जाके ऐसे कीप नोट्स टाइप का जो था उसको वापस क्लिक करके मुझे इनेबल करना पड़ रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम था वो एक्चुअली हो रहा था कुछ दिन पहले तक। अब ये अपडेट देने के बाद कल से मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुआ। हो सकता है आप लोगों में किसी में फेस हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि आइडिया मिल जाए कि सिर्फ मुझे नहीं बाकी लोगों को भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने फेस किया, मतलब प्रॉब्लम कुछ भी फेस नहीं किया, एक्सपीरियंस के तौर पर जो पहले प्रॉब्लम हो रहे थे वो भी हट गया है। अभी ओवरऑल एक्सपीरियंस भाई रियली पैर से तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ कि भाई 13,000 रुपये में, मतलब मेरे तो हाँ मेरे 13,000 ही लगा है, 12,999 का लगा है मेरा, तो 12,999 रुपीज़ में भाई इतना अच्छा चीज़ें प्रोवाइड करना जो कि लॉन्ग टर्म है, मुझे तो लगता है भाई क्या ही होगा इसमें। मतलब मैं तो आराम से इसको चला लूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ करता भी नहीं हूँ। आप लोगों को टेस्टिंग करने के लिए गेम वगैरह खेलता हूँ, ज़्यादातर केस में वो भी नहीं खेलता, ज़्यादातर केस में नेटफ्लिक्स या डिज़्नी प्लस हॉटस्टार में ही पढ़ा रहता हूँ, यूट्यूब में पढ़ा रहता हूँ। तो ये चीज़ के लिए मुझे लगता है कि भाई मुझे 2-3 साल या 3 साल तो कभी भी दिखना ही नहीं है, क्योंकि ये आराम से उस चीज़ को हैंडल कर देगा, मुझे कोई इशू नहीं होता। तो फिलहाल ये अपडेट के बाद मैं इनिशियल इंप्रेशन दे सकता हूँ, मोबाइल बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब स्मूथ हुआ है, उसके जो प्रॉब्लम्स थे वो अच्छे से स्टेबल हुआ है और यूआई बहुत स्टेबल लग रहा है, ऐसा कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला। ऐसा भी आप नहीं बोल सकते, मेरी जो मतलब क्या बोलते हैं उसे स्टोरेज है, स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम खाली है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, बहुत मतलब 11 GB फ्री है, मतलब 32 GB के अंदर 11 GB फ्री। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 22-23 GB फ्री है इसलिए तेरा इतना फास्ट चल रहा है, मतलब चलता है भाई ये, मतलब रियलमी पैड जो है बहुत क्लीन एंड क्लियर है, बहुत अच्छा यूआई का मतलब ऑप्टिमाइजेशन है, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ें चलता है। तो फिलहाल बस यही बोलना था मुझे। अभी देखो आप लोगों में से किन लोगों का ये वाला अपडेट रिसीव हुआ है, रिसीव होने के बाद अगर कोई मेजर बग फिक्स हुआ तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, देखूंगा उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है या बताऊंगा रियलमी को, वो क्या अलग बात है। बताओ पहले आप मतलब अपडेट आप लोगों के पास आया कि नहीं, आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो वेट कर जाओ भाई 1-2 दिन आ जाएगा, बाकी डिवाइस में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यही कुछ बताना था मेरी क्लीन एंड क्लियर एक्सपीरियंस। अब बताओ आपको क्या लगता है इस अपडेट के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ये इंपॉर्टेंट है। गुड बाय।